जमीन के दर्ज मुकदमे में अंतरिम जमानत पर चल रहे मुरादाबाद के सपा नेता यूसुफ मलिक ने रामपुर की सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। यह मामला 2019 में थाना अजीम नगर रामपुर में दर्ज किया गया था, जिसमें एक किसान द्वारा धारा 147, 342, 307, 504, 506 के तहत धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद यूसुफ मलिक ने कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया। खुद को बेकसूर बताते हुए यूसुफ ने कहा कि मुरादाबाद में एक अधिकारी द्वारा धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। सरकार उनकी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। जी, मैंने सरेंडर कर दिया। 307 का एक मामला था, आलियागंज का जी, पुराना मामला था जी, उसमें मैंने सरेंडर कर दिया। वारंट हो चुके थे मेरे NBW। क्या आपको इनाम भी था कोई 25,000? मुरादाबाद का एक मामला है, झूठा फर्जी केस है अधिकारी को हड़काने का, जबकि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, उन्होंने ही मेरे साथ बदतमीजी की थी। अब क्योंकि सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, कलम उनकी है, सब कुछ उनका है, चाहे जो लिख दें, वो सच को झूठ लिखें तो मालिक, झूठ को सच लिखे तो मालिक। 2019 का है, क्राइम नंबर है इसका 421/2019, धारा है 147, 342, 307, 504 और 506। ये किसानों से संबंधित जो जमीन के मामले थे, उसमें एक किसान की तरफ से इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी धमकाने की, जानलेवा हमले की। ऐसा कोई मामला था नहीं, लेकिन वो फर्जी एक FIR दर्ज कराई गई थी, वही मामला चल रहा था। पहले से ऑनरेबल हाई कोर्ट से इंटरिम